नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डिजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, रोज की तरह आज हम एक और फिर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आपका फेवरेट शो लेके, फेवरेट चैनल लेके, डिजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोस्फीयर रिजर्व। हम लोग देखेंगे आप इंडिया के आज इंपॉर्टेंट जो 18 बायोस्फीयर हैं आपके, 18 प्लस बायोस्फीयर हैं इम्पॉर्टेंट, जिसमें से जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं पेपर में, हर बार एक नया क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, और भी स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं, सब में एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं मैप से समझाऊंगा पूरे वीडियो को, मैप से ही मैंने समझाया ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग जो बताने वाले हैं आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल बताएंगे, विद मैप के साथ बताएंगे और इमेज के साथ बताते हैं। पहली बात होती है कि हम कोई वीडियो लेकर आते हैं आपके सामने, इमेज लेकर आते हैं, ताकि क्या होता है पिक्चर प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको जल्दी याद करने की तरीक हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर पिक्चर्स देखते तो हमें ईजिली याद हो जाती है, और याद करने का तरीका भी हम लोग आपको बताएंगे, बहुत ईजी वे है, ठीक है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले प्लीज़ एक बार मैं आप लोगों की गुजारिश करूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन की बटन दिख रही होगी आपको इस वीडियो के नीचे, उस रेड कलर की बटन होगी उसको प्लीज़ दबा दीजिए बेल, तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगी उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे न्यू वीडियोस या प्रेस अपडेट्स आती हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए, क्योंकि हम लोग आपके लिए सबसे फास्ट न्यूज़ लेके आते हैं, सबसे फास्ट जो भी हरकतें होती हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या आपकी कोई भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई वीडियोज़ हो, उसको सबसे फास्ट कौन लेके आता है, हम लेके आते हैं। और हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग अपने वीडियो को आज की, ठीक है। तो जो पहला हमारा टॉपिक है आपका बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी एक तरह से मानी जाती है, ठीक है, द वे ऑफ सो मैनी कम्युनिटीज, ठीक है, वन ऑफ द कंट्री ट्रूली अमेजिंग अलॉन्ग द कल्चरल असेंबली, इंडिया इज़ अ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यानी जो जैव है, जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। इंडिया कहाँ पे है, टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन सराउंडेड बाई ओपन वाटर, आप लोगों को पता है इंडिया में तीन तरफ से तो पानी है, ओशियंस है मतलब, और एक तरफ से क्या है मैदान, रेत की मैदान, ठीक है। हैंस द कंट्री हैज़ द 18 बायोलॉजिकल, अब कंट्रीज के पास क्या है 18 बायोलॉजिकल रिजर्व है, 18 बायोलॉजिकल रिजर्व है, बायोलॉजिकल रिजर्व, आउट ऑफ दिस 18 बायोलॉजिकल जो रिजर्व है 9 जो है वो यूनेस्को का जो प्लान है, यूनेस्को का जो बायोस्फीयर माना जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट उसमें आते हैं, जो हमारे 9 यूनेस्को जो हमारे 9 हमारे जो 9 बायोस्फीयर हैं वो कितने हैं, उसमें से यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट में आता है। तो देखिए वो कौन कौन से, मैं आपको पहले तो इस वीडियो में टोटल बता दूंगा कि टोटल कौन कौन से हैं, देन आपको बताऊंगा कि 9 कौन कौन से, हम लोग जो आज बात करने वाले इंपॉर्टेंट 9 की बात करेंगे प्लस जो टोटल हैं। तो पहला हम लोग देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कोल्ड डेजर्ट, मैं थोड़ा सा जूम करें तो आप लोग, ताकि आप लोग को देखने में कोई दिक्कत ना हो, ये देखिए आप कोल्ड डेजर्ट, अब कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। देन आपका आता है नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे है उत्तराखंड में, नंदा देवी कहाँ पे है उत्तराखंड में, देखिए आप लोग याद करने का तरीका है ये तो जस्ट एक बस, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पे है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में। देन देखिए आपके जो आसाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जैसे आसाम में देखेंगे आप तो पहला हो गया आपका मानस हो गया आसाम में, कहाँ पे है मानस हो गया आसाम में, दिब्रू शिकवा हो गया आपका आसाम में, नौकरेक नेशनल पार्क भी कहाँ का है आपका आसाम में, ठीक है। देन आपके चलते हैं नेक्स्ट जो आपका है ये आपका दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में एक ही है, अरुणाचल प्रदेश में याद करने की ट्रिक क्या है, दिहांग दिबांग केवल एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोलकाता की तरफ, कोलकाता में भी क्या है एक ही है, कोलकाता में भी क्या है एक ही है, एक क्या है सुंदरबन है। नेक्स्ट अगर आप लोग उसके बगल में देखें उड़ीसा में भी एक ही है जो कि सिमली पाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए यहाँ पे आसपास किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। देन हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश में तीन है, पन्ना पंचमरई और अचानक मर अमरकंटक। देखिए तीन कहाँ कहाँ पे, आसाम में तीन है, कौन कौन से तीन है, मानस है, डिब्रू शिकोवा, नौकरेक है, और दूसरा आपका क्या है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी तीन है, पन्ना पंचमरही और अचानक मर अमरकंटक, ठीक है।
देन हम लोग चलते हैं कहाँ पे, गुजरात की तरफ। गुजरात में क्या है, गुजरात में एक है रण ऑफ कच्छ, जिसे कहते हैं कच्छ लिखा हुआ है यहाँ पे, रण ऑफ कच्छ कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देखने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं सेसाचेलम। सेसाचेलम कहाँ पड़ता है आपकी, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ये कौन सा जगह जगह है आपका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, सेसाचेलम। देन आपका आता है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। देन गल्फ ऑफ मन्नार भी कहाँ है, तमिलनाडु में। और जो अगस्ता मलाई है वो केरला में भी है थोड़ा पार्ट उसका, प्लस तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो अब आगे देख लेंगे कि इसे किस रीजन में हमने बांटा गया है। और नेक्स्ट जो ग्रेट निकोबार आपका जो अंडमान द्वीप समूह है वहाँ पे भी है। ये हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर हैं हमारे, जिसमें से 9 जो मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट। ये देखिए मैं आपको पूरा मैप दिखा देता हूँ, ये पूरा मैप है, चाहे तो आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से जो 9 है हमारे वो किसमें है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है। तो मैं आज इन्हीं 9 की बात करने वाला हूँ, प्लस आपको 18 के 18 लिस्ट मैंने बता दी है। और हम आगे वीडियो में भी आपको ये सब बातें बताएंगे कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन कौन से कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और देखिए पहला जो बायोस्फीयर आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरी हिल ऑफ साउथ इंडिया। मैंने आपको नीलगिरी कहाँ दिखाया था अभी, साउथ में। साउथ में कहाँ पे दिखाया था, नीचे सबसे नीचे दिखाया था, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं आप वीडियो फोटो भी देख सकते हैं नीलगिरी की, क्या ये देखिए यहाँ का ये बायोस्फीयर है। अब यहाँ पे है क्या क्या, अगर आप फौना में जाएंगे तो यहाँ पे 100 स्पीसीज है, मोर देन 100 स्पीसीज है, ठीक है, मोर देन 100 स्पीसीज। 350 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 80 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, टाइगर, एशियन एलिफेंट, लॉयंस, टेल्स, मैस्कियो, नीलगिरी, नीलगिरी तहर। नीलगिरी इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लॉयन टेल्ड मैस्कियो, नीलगिरी तहर, ठीक है। देन प्लांट्स में देखिए फौना क्या होता है, एनिमल्स रिलेटेड होता है, फ्लोरा क्या होता है, ये जो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स रिलेटेड होता है। तो इसमें यहाँ पे 3,300 वेराइटीज़ है प्लांट की एंड 132 रीजन्स एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार ये कहाँ पे है आपका, ये लोकेशन बिटवीन द श्रीलंका इंडियन श्रीलंका, फॉर्मिंग बिकम अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार देख लेते हैं, ये देखिए आप गल्फ ऑफ कितना सुनहरा सुंदर मोह चित्र है, देखिए आप लोग देख के लगेगा आपको एक बार में याद आएगा। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु वो आप उसे कह सकते हैं, अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, फौना में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। यहाँ पे टर्टल है, शार्क्स है, मेनली वही होंगे जो पानी में पाए जाते हैं, डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, पियर ऑस्ट्रिस है, गॉर्गियंस है, कोरल्स है, रिजर्व है, ठीक है। और फ्लोरा में क्या है, सी ग्रास है, सी वीड है, ककम्बर है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सुंदरवन, काफ़ी फेमस है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कौन से रिवर के पास है, दो रिवर है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए ऐसे 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 आते आते यहाँ पे घूम के ऐसे आके कुल गुजर जाती है कहाँ पे, ओशियन पंजाब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं सुंदरबन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन में जो फौना इंपॉर्टेंट है वो आपके रिजर्व इज फेमस फॉर ब्रीडिंग रॉयल बंगाल टाइगर, काफ़ी फेमस है, स्पॉटेड डियर, रिसेस मैकाओ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जायंट जायंट एडजस्टेंट स्टॉक्स। फ्लोरा में क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है आपके, हैं वो सुंदरबन में। देन आपका गर्जन, गीवा, गोरन, कियोरा, सुंदरी ट्रीज, ये सब कहाँ पे हैं आपके, सुंदरी ट्रीज भी काफ़ी फेमस ट्रीज है, कहाँ पाए जाते हैं आपके, सुंदरबन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है नंदा देवी बायोस्फीयर। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पे है, उत्तराखंड में। देखिए आप कितना सुनहरा चित्र है, आप दिखा दिए जूम कर, ये देखिए ये नंदा देवी टेम्पल है, नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी टेम्पल, ये सब कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में है। याद रखिए नंदा देवी, ये नेशनल पार्क भी आता है, ठीक है। तो अब इसकी फ्लोरा और फौना के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो इसका फौना है उसमें काफ़ी सारे पाए जाते हैं, हिमालयन टार पाए जाते हैं, रिजर्व ऑल्सो नोन एज स्नो लियोपॉड पाए जाते हैं, हिमालयन ब्लैक बियर पाए जाते हैं, ठीक है, ब्राउन बियर पाए जाते हैं, लंगूर्स पाए जाते हैं, रिसस मकाव पाए जाते हैं। अब फ्लोरा में देख लेते हैं, फ्लोरा में क्या है, फिर है, ब्लच है, होडोडेंड्रॉन है, जूनिपर्स है, अबंडेंट है, वेजिटेशन स्कार्स ड्यू टू ड्राई। यहाँ पे क्या होता है, उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं पाई जाती वेजिटेशन, मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि क्या होता है हर समय तो वहाँ पे सूखा होता है पहली बात, और उसके बाद बर्फ़ पड़ती है, तो उससे क्या होता है ज़्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नोकरेक नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, मेघालय में। याद रखिएगा नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पे है, मेघालय में। देख रहे हैं ब्यूटी ब्यूटी ऑफ नोकरेक नेशनल पार्क, देखिए आप लोग कितना सुंदर, अति सुंदर दृश्य है, देखते ही मन करता जाने का, एक बार जरूर प्लीज़ आप विजिट करिए नोकरेक नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये भी टॉप 9 में है।
फौना में क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे, रेड पांडा पाया जाता है। अदर में क्या पाया जाता है यहाँ पे, हॉकलेस, स्टम्स, टेल्ड मकाओ, फ्लाइंग स्क्वायरल, लियोपॉड, लियोपॉड पाया जाता है आपका, पिग टेल मकाओ पाया जाता है। फौना में क्या पाया जाता है, ग्रैंड रसमाला, रसमाला, व्हाइट मेरंती, लाली, चेपंका, वाइल्ड लेमन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज है जो आप, जो भी आपके, द रिजर्व इज मेनली फेमस फॉर वाइल्ड वेजिटेशन एंड साइट्रस प्लांट, जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, और क्या हो गया, लाइम हो गया, वो सब पाया जाता है। छठवा है आपका पंच पचमारी बायोस्फीयर, ये कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, इसका भी व्यू देख सकते हैं आप, ये आपका पचमारी बायोस्फीयर, देखिए आप, देख के आप कहेंगे वाह क्या ब्यूटी है, सो सुंदर, सो नाइस, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए फोटो आता ताकि आप लोग याद कर सके, बिकॉज ईजी रहता है हमें फोटोज याद करना। फौना में क्या क्या है, टाइगर है, लियोपॉर्ड है, वाइल्ड बियर है, जाइंट स्क्वायरल, वोल्फ, चिंकारा, नीलगिरी, चीता, चीतल डियर, मंट जैक डियर, सांबर डियर, ठीक है। फौना में क्या क्या है, टू कॉमर्शियल ट्रीज, साल्टीक कैन बी फाउंड अबेंडेंस, अदर एंडेमिक फ्लोरा इंक्लूड वाइल्ड मैंगोज, वाइल्ड मैंगोज, जामुन है, सिल्वर है, अर्जुन, सब पाया जाता है। देन आपके सिंपली सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अति सुंदर, ये कहाँ पे आपका, उड़ीसा में। यहाँ पे क्या पाया जाता है, फौना में क्या क्या है, अराउंड 242 स्पीसीज है मैमल्स की है, 242 आपकी बर्ड्स की है, 30 स्पीसीज रेप्टाइल्स की है। उसके अलावा क्या क्या पाया जाता है, बार्किंग डियर, गौर, चौसिंगा, जंगल फाउल, हिल मियाँ, क्रेस्टेड सरपेंट, ईगल्स। फ्लोरा में क्या क्या है, ट्रॉपिकल 96 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड्स है, काफ़ी सारी चीज़ें पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, लार्ज ग्रासलैंड भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया सात। आठवां आपका है अचानक अचानक मर अमरकंटक बायोस्फीयर, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता दूँ आपको मैं ये भी। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, फौना में टाइगर है, पैंथर है, बियर है, चीतल डियर है, सैम्बर डियर है, बार्किंग डियर है, फॉक्सेस है, वाइल्ड लाइफ बियर है, बेसन है, फाउंड द बोरोइंग फ्रॉग है, ट्री फ्रॉग है, ओमेट है, ये सब सारे जानवर पाए जाते हैं। फौना में क्या क्या है, क्या क्या पाया जाता है, पाइन है, जूनिपर है, सीडार है, सिप्रस है, सम ऑफ द स्पीसीज भी काफ़ी पाई जाती है यहाँ पे, सीडार एंडेमिक स्पीसीज जो की है वो भी पाई जाती है। अब आपका जो ग्रेट निकोबार आइसलैंड है, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है इसकी, निकोबार आइसलैंड की, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये देखिए आप सीन, ये है अंडमान निकोबार का सीन, देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, सो स्वीट, बहुत अच्छा है, नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। फौना में क्या क्या है, क्रैब ईटिंग, जितने भी यहाँ पे जित जल्दी देखिए जो भी रहेंगे वो सभी क्या होंगे, पानी में रहने वाले होंगे, ये बेसिकली वहाँ पे सब वाटर ही वाटर है। तो निकोबार मेगापोड है, जायंट रबर क्रैब, निकोबार सरपेंट ईगल, जायंट रॉबर क्रैब, क्रैब आयम, सीवेट एंड वेस्टर्न मोमोट लेजार्ट एंड कॉमन रिजर्व्स, ठीक है। फ्लोरा में क्या है आपको, स्क्रू पाइन, नीपा पाल्म, सिलोन, आयरन वुड कैन बी फाउंड एंड इन अबेंडेंस, ठीक है। ये तो आपके जो नाइन आपके जो प्रोग्राम है आपका मैन मेड बायोस्फीयर है जो प्रोग्राम, उसके तहत जो आते हैं मैंने वो लिए नाइन, ठीक है। टोटल कितने, 18, लेकिन यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम उसके तहत कितने आते हैं, 9 आते हैं, वो मैंने आपको 9 के 9 बता दिए। अब देखिए ये मैंने जो वर्ल्ड नेटवर्क में लिए गए हमारे पास 11 जो अभी 18 बायोस्फीयर में है, वो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर में आते हैं आपके, ये वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर के हिसाब से, वो मैन एंड बायोस्फीयर के हिसाब से। तो जो आपके जो 9 मेन है आपको मैन एंड बायोस्फीयर के हिसाब से याद करना है। देखिए इसमें क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पे है, तमिलनाडु कर्नाटका में, इसे सन 2000 में पाया खोजा गया था। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर को तमिलनाडु में है, ये कब लिया गया, 2001 में लिया गया था। सुंदरबन क्या है, वेस्ट बंगाल में, इसे कब लिया गया, 2001 में लिया गया था। देन नंदा देवी आपका है उत्तराखंड में, 2004 में लिया गया था, मतलब इसको ईयर प्रोग्राम लिस्ट में लिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है, मेघालय में, 2009 में। पंचमराई बायोस्फीयर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, 2009 में लिया गया था, ये टॉप 11 बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देन आपका सिंपली पाल बायोस्फीयर कहाँ पे है, उड़ीसा में, इसे कब लिया, 2009 में लिया गया है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर कहाँ पे है आपका, ग्रेट निकोबार 2003 में लिया गया है। अचानक मर अमरकंटक बायोस्फीयर कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, 2012 में लिया गया है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर कहाँ पे, केरला तमिलनाडु दोनों में है, 2016 में लिया गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, 2018, याद रखिएगा, ये पेपर में पूछ सकते हैं आपसे कि अभी रिसेंटली कौन सा मैन मेड बायोस्फीयर में लिया गया था, वो क्या है, मिक्स डी लिया गया है, कौन सा,
कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए ये जो लिस्ट है ये मैंने आपके विकीपीडिया से उठाई है, तो आप लोग भी जाके दे सकते हैं, ये कोई ऐसा कोई झूठ वाली बात नहीं, आप जाके दे सकते हैं। 20 सितंबर 2010 से अपडेटेड है ये, और द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डेजिग्नेशन सेशा चेलाम हिल्स एज 17th बायोस्फीयर, जो सेशा सेला में आपका जो 17th बायोस्फीयर बना था कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में। और जो आपका पन्ना है, पन्ना मध्य प्रदेश में जो है वो 18th बायोस्फीयर कब लिया गया, 2011 में लिया गया, उसके बाद से अभी तक कोई भी नहीं लिया गया, ठीक है। तो आपको जो दो याद करने, सेशा सेलम जो आपका है वो 17th बायोस्फीयर है, और आपका 18th है पन्ना, पन्ना आपका क्या है 18th है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन सी ईयर मिला है। देखिए सबसे पहला था 1986 में, कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर, याद रखिए 1986 में क्या मिला है, नीलगिरी बायोस्फीयर। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर। देन आपका है 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर, ठीक है, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका आता है बायोस्फीयर गल्फ ऑफ मन्ना, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नॉकरेक, नॉकरेक कहाँ पे है, 1988 में कहाँ पे था, ये मेघालय में है। नेक्स्ट आपका है सुंदरवन, कब आया था, 1989 में, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। आप लोग को ईयर और प्लस कौन से स्टेट में है वो याद रखना है, ठीक है। 1989 में क्या आया था, मानस नेशनल पार्क आया था आपका, ये कहाँ पे, असम में है। 1994 में आया था सिंपली पार नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। 1998 में आया था दिहांग दिबांग कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। 1999 में आया था पचमरई बायोस्फीयर, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। 2005 में कौन सा था, अचानक आया था, कहाँ पे आया, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका है 2008 में कौन सा था, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कहाँ पे है, गुजरात। जहाँ पे एक ही है वहाँ पे याद करने के बहुत आसान तरीके है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। देन आपका है 2009 में क्या है, कोल्ड डेजर्ट, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, सबसे टॉप पे बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट आपका 2000 में कंचनजंगा आया है सिक्किम में। 2001 में क्या है, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर, कहाँ पे है, केरला में है। नेक्स्ट आपका है 1989 में ग्रेट निकोबार, कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। 16 नंबर पे आपका है दिब्रू शिकोह, ये कहाँ पे, आसाम में। आपको जो मेन याद करने हैं वो 17 और 18 याद करने, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जाएंगे। जब तक आपको नेक्स्ट बायोस्फीयर नहीं, तब तक आपको ये लास्ट के दो याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, जो 17th बायोस्फीयर है आपका सीसा चेलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ये आपका 17th बायोस्फीयर है, याद रखिएगा, ये चित्तौड़ एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका, ठीक है। फेमस यहाँ पे है सिलेंडर लॉरीज है यहाँ पे फेमस। नेक्स्ट आपका 18th जो आपका लिया गया था, 18th बायोस्फीयर बता दूँ आपको, 17th हो गया आपका सीसाचेलम, 18th बायोस्फीयर जो आपका है वो पन्ना में है। पन्ना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे फेमस क्या है, टाइगर चीटल चिंक एंड सांबर एंड स्लॉट बियर्स, यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो आप लोग के पास ये टोटल लिस्ट मैंने दे दिया आपके 18 बायोस्फीयर की, आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर ज़रूर देखिए वीडियोज़ को, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने काफ़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बिकॉज हमें आपके लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपको मैंने मैप से भी समझा दिया है कौन कौन से कहाँ, देखिए तीन कहाँ कहाँ पे हैं, आसाम में तीन है और मध्य प्रदेश में तीन है, देन तमिलनाडु में आप तीन कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह डिस्ट्रिक्ट में सब एक ही का, तो एक ही याद हो सकते हैं, कोई दिक्कत, जैसे आप मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में क्या है, कोल्ड डेजर्ट। उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी। सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, देहांग दिबांग। अब आपके असम में तीन है, मानस दिब्रू शिकोह नौकरेक। मध्य प्रदेश में आपके तीन है, पन्ना पंचमराई अचानक मर अमरकंटक। देन आपका वेस्ट बंगाल में एक है सुंदरबन। उड़ीसा में आपका एक है सिंपली पाल। आंध्र प्रदेश में आपका एक है सीसासेलम। गुजरात में आपका एक है कच्छ, रण ऑफ कच्छ जिसे हम कहते हैं आपके। फिर तमिलनाडु में तीन है, नीलगिरी गल्फ ऑफ मन्नार अगस्ता मलाई केरला भी मान सकते थोड़ा बहुत। देन आपका एक है अंडमान निकोबार, ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार है। तो ये आपकी टोटल लिस्ट थी पूरी 18 18 बायोस्फीयर की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारा सहयोग करें और वीडियो को लाइक करें।